हेलो दोस्तों, मैं क्लास फोर का यूनिट टू का मतलब एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का दोस्तों ब्रेन टीयर बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। नंबर वन है, वन का ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ ई। दोस्तों यहाँ मैं आंसर बता रहा हूँ, नीचे एक्सप्लेनेशन बताऊँगा। व्हेन वी एड 100 to 9136, द डिजिट डैश प्लेस इंक्रीज बाय वन। जैसे दोस्तों मतलब 9136 में 100 ऐड करेंगे तो 6 + 0 सिक्स, 3 + 0 3, और 1 + 1 2, 9 का 9। दोस्तों यहाँ देखिए, ये नंबर और ये नंबर में सब कुछ सेम है, सिर्फ वन से टू बना है ना। तो कौन सा प्लेस चेंज हुआ? वन सा प्लेस सेम है, 10 प्लस चेंज वो सेम है, 100 प्लस चेंज हुआ है, उस 1000 प्लस सेम है। तो दोस्तों 100 प्लस चेंज हुआ, कहाँ पे 100 है, तो ये 100 है। तो वन नंबर का क्या आया आंसर दोस्तों? बी आया। समझ में आया होगा, वन का सेकंड लिख दिया दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं बी नंबर। द ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर इज डैश लेस देन द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर। मतलब पहले ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर हम लोग जानते हैं 99, ग्रेटेस्ट जितना डिजिट बोलेगा उतना 9 भर देंगे, स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट 100। दोस्तों कितना लेस देन है, यहाँ बोलता है लेस देन, तो कितना लेस देन है दोस्तों? 100 में 99 घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो देखते हैं, ऑप्शन में 1 है तो यहाँ देखिए दोस्तों थर्ड में है, तो तीसरा नंबर हो जाएगा। अगला बता रहा हूँ, सी नंबर में है दोस्तों। हम लोग के पास है कितना? 7000 है, 5000 देना है, फिर 2000 देना है। मतलब 5000 देना है, फिर 2000, इसका मतलब 7000 देना है। तो कितना बचेगा दोस्तों? 0 बचेगा। इसका मतलब यहाँ हम लोग का इसका सी का कितना आ जाएगा दोस्तों? तो फर्स्ट आ जाएगा। ये आपको समझने में दिक्कत हो रहा है दोस्तों, तो सपोज रेट आपके पास 7 रुपया है, ऐसे समझो एक भिखारी आया 5 रुपया दे दिए, फिर दूसरा भिखारी आया 2 रुपया दिए, इसका मतलब 7 रुपया था, 5 रुपया दिए और 2 रुपया दिए, 7 रुपया दे दिए ना, तो इसका मतलब कितना पैसा? और पैसा नहीं बचेगा, इसका मतलब 0 रुपया बचा, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ 5 रुपया का जगह 7 रुपया का जगह 7000 रुपया है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं समझाने के लिए सब बताया दोस्तों आपको। अगला है डी नंबर, 400 मोर देन द सक्सेसर ऑफ, कितना दिया? 399 इक्वल टू डैश। यहाँ देखिए दोस्तों, पहले 400 मोर देन द सक्सेसर ऑफ, पहले 399 का सक्सेसर निकालना है। सक्सेसर मतलब 1 प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 9 + 1 = 10, फिर 9 + 1 = 10, 3 + 1 = 4। तो 399 का सक्सेसर अगर निकालेंगे तो 400। अब 400 में बोला है दोस्तों 400 मोर देन, तो 400 + फिर 400 हो जाएगा 800। फिर से बता दोस्तों, ये सवाल बहुत टफ लगा होगा। यहाँ बोला है 399 का सक्सेसर निकालना है, पहले प्लस वन किए, सक्सेसर मतलब बढ़ाते हैं और प्रीडेसेसर मतलब 1 घटाते हैं। सक्सेसर निकला 400 है, और फिर यहाँ फिर बोला है 400 मोर देन, इसलिए 400 + 400 800 हो गया दोस्तों। 800 देखिए क्या है, तो देखिए दोस्तों ये बच्चा सब टिक मारा गलती है, इसका आंसर होगा यहाँ 4, तो क्या हो जाएगा? 1 भी I भी 4 हो जाएगा। नेक्स्ट बता रहा हूँ, नेक्स्ट है दोस्तों ई नंबर। दोस्तों यहाँ ई नंबर में हम लोग को ऐड करना है, तो हम लोग ऐड करके दिखा देता हूँ मैं। पहले इधर से लिख लेते हैं दोस्तों बड़ा वाला, उसके बाद ये लिख लेते हैं 1001 है, उसके बाद 101 है, उसके बाद फिर क्या है दोस्तों? 10 है दोस्तों। यहाँ से है 1 + 1 + 1, तो 3 हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 दोस्तों। कितना हो जाएगा हम लोग? 11113, 11100, 11113 दोस्तों सेकंड वाला में है, तो 2 हो गया दोस्तों। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के शेयर भी कर दीजिएगा। दोस्तों एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमको पता चलता है कि आप हमको मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ताकि मैं और कोशिश करूँगा इससे भी बढ़िया करने का दोस्तों। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ दोस्तों, मैं जो वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मैं 4 स्कूल्स का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ टाइप का, और एक इसका RS अग्रवाल जो इंग्लिश में बहुत हार्ड माना जाता है उनका भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ मैं, उसके बाद NCERT, उसके बाद
डीएवी पब्लिक स्कूल, सिन्ना पब्लिक स्कूल, उसके बाद है माउंट जोन का कर रहा हूँ, उसके बाद डॉन बास्को कर रहा हूँ। इतना स्कूल का मैं टाइप का बुक अपलोड कर रहा हूँ मैथ का दोस्तों, इसलिए शेयर कर सकते हैं आप, बढ़िया से कर दीजिएगा। 2 नंबर का बता रहा हूँ दोस्तों, सोल्व करना मतलब एड करना है। 85,781, 78,989 दोस्तों, सोल्व मतलब यहाँ प्लस है तो प्लस करना है। 9 प्लस 1 10 का जो कैरी वन, 8 प्लस 8 16 और 1 17 का 7 कैरी वन, तो 9 और कैरी देंगे तो 10, 10 प्लस 7 17 का 7 कैरी वन, यहाँ 5 में कैरी दे देंगे तो 6, 8 प्लस 6 14 का 4 कैरी वन, 7 1 8 और 8 8 16 दोस्तों, तो कितना आ गया हम लोग का, 1,64,770। नेक्स्ट है बी नंबर बता रहा हूँ, 48,125, उसके बाद है 9,999 है ना, तो 9 प्लस 5 14 का 4 कैरी वन, 9 1 10 प्लस 2, 9 1 10 प्लस 2 12 का 2 कैरी वन, 9 1 10 1 11 का 1 कैरी वन, 9 1 10 प्लस 8 18 का 8 कैरी वन, 4 1 5, तो 58,124। नेक्स्ट है दोस्तों 2 का C नंबर, 7,56,480, 51,345 दोस्तों, यहाँ 0 में 5 नहीं घटेगा, तो यहाँ यहाँ से कैरी लेंगे दोस्तों तो ये 7 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। 10 में 5 घटाएंगे तो 5, 7 में 4 घटाएंगे तो 3, 4 में 3 घटाएंगे तो 1, 6 में 1 घटाएंगे तो 5, और 5 में 5 घटाएंगे 0, 7 में 7, तो 7,05,135। डी नंबर बता रहा हूँ दोस्तों, 80,000 है, 79,899 दोस्तों, यहाँ देखिए इससे कैरी लेंगे दोस्तों, यहाँ तो सब भिखारी है कैरी देने का लायक नहीं, तो यहाँ से लेंगे तो 8 7 हो जाएगा, ये 10 बनेगा, 10 से यहाँ 1 दे देंगे तो यह 9 बनेगा, ये 10 बनेगा, फिर 10 से 1 दे देंगे तो यह 9 बनेगा, ये 10 बनेगा, फिर ये इसको देगा तो यह 9 बनेगा, ये 10 बनेगा, 10 में 9 घटाएंगे तो 1, 9 में 9 घटाएंगे तो 0, 9 में 8 घटाएंगे तो 1, 9 में 9 घटाएंगे तो 0, फिर 7 में 7 दोस्तों, 0 0 आगे में लिखने तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब लिखना नहीं कोई फायदा नहीं है, इसलिए 101 आंसर आया दोस्तों। इसमें शायद प्रॉब्लम होगा दोस्तों, वीडियो को पीछे करके एक बार और देख लीजिए तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अब आगे आते हैं 3 नंबर, 3 नंबर बता रहा हूँ, राइट डाउन द लार्जेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इन विच नो डिजिट रिपीटेड एंड आल्सो देम। दोस्तों ये 3 नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मतलब कुछ ही आदमी जो है अच्छा बढ़िया तो वही बना सकते हैं। मैं इसका पूरा डिटेल बता देता हूँ दोस्तों, ताकि थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं हो आपको। देखिए हम लोग कोई भी नंबर बनाते हैं ना, तो उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, चाहे 1 चाहे 0, या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 या 9, मतलब ये 10 डिजिट है, इसी से पूरा नंबर बनाते हैं, दिक्कत। अब हम लोग को बनाना है दोस्तों क्या, 4 डिजिट, लार्जेस्ट 4 डिजिट, ध्यान रखना लार्जेस्ट 4 डिजिट बनाना है ना नंबर, तो ध्यान रखना दोस्तों लार्जेस्ट 4 डिजिट, हमको लार्जेस्ट वाला 4 डिजिट को यहाँ से उठा कलेक्ट करना है, 1 2 3 4 है ना, लार्जेस्ट बोलेगा लार्जेस्ट तरफ से कलेक्ट करेंगे। अब हम लोग ऐसा अरेंज करना है जो सबसे बड़ा नंबर बने, तो इधर से लिखोगे ना छोटा बनेगा, ध्यान रखना दोस्तों डिसेंडिंग सजाते हैं, बड़ा से छोटा सजाएंगे ना तो ये ऑटोमेटिक लार्जेस्ट बन जाएगा, मतलब 9,876 दोस्तों। इसको अगर इसके अलावा इसको कितना उल्टा पुटा करो, इससे छोटा ही नंबर बनेगा दोस्तों। स्मॉलेस्ट बनाना है, स्मॉलेस्ट अगर 4 डिजिट, 4 डिजिट ही बनाना है दोस्तों, लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो यहाँ डायरेक्ट दे देता हूँ, 4 डिजिट नंबर बनाना दोस्तों, तो स्मॉलेस्ट हम लोग को 4 यहाँ से उठाना है, 1 2 3 4 उठा लिए है ना। स्मॉलेस्ट जब 4 डिजिट बनाना है दोस्तों, तो छोटा से बड़ा सजाना है, तो 0 1 2 3, लेकिन दोस्तों ये दुख की बात ये है कि ये 3 ही डिजिट का बना, 0 आगे मैं अभी जस्ट बताए थे महत्व नहीं होता है, इसलिए 0 को यहाँ शिफ्ट करेंगे 1 0 2 3, तब ये आंसर हम लोग का हो जाएगा।
अगर दोस्तों यहाँ जीरो नहीं रहता ना, अगर बाई मिस्टेक जीरो नहीं रहता तो फिर सूट कर जाता। तो अगर हम लोग को यहाँ फोर डिजिट उठाते तो 1, 2, 3, 4, तो 1234 हो जाता। लेकिन जब जीरो वाला आ जाता है ना, सिर्फ आपको जीरो वाला में ध्यान देना है, जीरो को शिफ्ट करना पड़ता है यहाँ, है ना दोस्तों। इसका सारा फैसिलिटी बताया, इसमें शायद आप नहीं फंसेंगे। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है दोस्तों, एक बार फिर से वीडियो को पीछे करके फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा पूरा। अगला बताते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा है इसलिए मैं रिपीटेशन नहीं बता सकता हूँ दोस्तों। दोस्तों अब फोर नंबर बढ़ते हैं। यू आर गिवन ए मैजिक स्क्वायर, मैजिक स्क्वायर दोस्तों यहाँ दिया हुआ है। यूज द नंबर फ्रॉम 1 to 9, दोस्तों 1 से 9 तक आपको ओनली वंस एक बार यूज करना है। एंड कंप्लीट इज इट आल्सो एवरी रो एंड एवरी कॉलम 8, 15। मतलब दोस्तों ये देखिए, मैं उसी को उतारा हूँ, अभी कुछ एडिट नहीं किए हैं दोस्तों। मतलब इधर से भी ऐड करने से क्या बनना चाहिए, हम बोल रहा है 15 बनना चाहिए। यहाँ से भी 15, यहाँ से भी 15, इधर से भी 15, इधर से भी 15, इधर से भी 15। और आप जो यूज कर सकते हो 1 से कितना तक, 1 to 9 तक, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसका अलावा कुछ भी यूज कर सकते हो दोस्तों। देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग, पहले खोजेंगे जहां एक वो भरने वाला, एक वो भरने वाला दोस्तों यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो कहीं पे भी भर सकते हो। तो 4 + 2, 6, दोस्तों हम लोग को बनाना है 15। तो 6 जो 15 में 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 15 में 6 घटाएंगे तो हो जाएगा हम लोग का 9। ये बना दिए दोस्तों, यहां मैं ई कर देता हूं, नहीं तो आपको फिर प्रॉब्लम होगा। अब देखिए ये भी भर सकते हैं, 4 + 3, 7, 15 में 7 घटाएंगे दोस्तों तो बनेगा 8, ये भी मैं भर दिया। अब देखिए दोस्तों यहाँ क्या है, 6 + 2, इधर से भी भर सकते हैं, इधर से भी दिमाग लगा सकते हैं, 6 + 2, 8, हम लोग को 15 में 8 घटा देंगे तो हो जाएगा दोस्तों क्या, 7, है ना। अब देखते हैं कोई रिपीटेशन तो नहीं हुआ, 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया, 7, 8, 9, दोस्तों रिपीटेशन नहीं हुआ, हो गया आंसर, यही होगा। अगला बता रहे नेक्स्ट दोस्तों, अ स्टूडेंट वाज आस्क टू राइट न्यूमेरल 4, 76,005 लिखने कहा, लेकिन वो लिख दिया कितना, 7,605। फाइंड द डिफरेंट बिटवीन द करेक्ट आंसर, दोस्तों उसको लिखना था कितना, तो यहाँ बोला 76,005 नंबर बता रहा हूँ, लिखना था उसको 76,005, तो इसका मतलब 100 भी नहीं बोला और 1000 भी नहीं बोला, ये 10 से भी नहीं बोला था, 5, 1, 10, 100, 1000, 10,000, 76,005 है, इतना लिखना था लेकिन लिख दिया वो 7,605। दोस्तों इससे ये छोटा है ना, तो कितना छोटा है डिफरेंस, मतलब वही तो है, अंतर निकालना है, तो इसलिए देयर डिफरेंस है ना, डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर, तो हम लोग दोनों का नंबर का डिफरेंस निकालना है दोस्तों, 76,005, यहाँ भी 7,605, दोस्तों 5 में 5 घटाएंगे तो 0, 0 में 0 घटाएंगे तो 0, दोस्तों यहाँ 0 में 6 नहीं घटाए, इसे कैरी लेंगे तो ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 10, दोस्तों यहाँ 5 पे 7 नहीं घटेगा, इससे कैरी लेंगे ये बन जाएगा 15, ये बन जाएगा 6, तो 10 में 6 घटाएंगे तो 4, 15 में 7 घटाएंगे तो 8, और 6 का 6 लिख देंगे दोस्तों, 68,400, समझ में आया होगा दोस्तों। नेक्स्ट है 6 नंबर, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज दिया हुआ 48,506 एंड द ग्रेटर नंबर इज दिया 1 लाख, तो फाइंड द स्मॉलर, 1,09,000 है दोस्तों। देखिए ये कैसे बनाएंगे दोस्तों, यहाँ डिफरेंस दिया हुआ है ना, हम लोग जानते हैं सब्ट्रैक्शन में माइनस एंड सब्ट्रैक्ट डिफरेंस होता है, जैसे यहाँ 12 में दोस्तों यहाँ मतलब क्या घटाएंगे जो हम लोग को 8 मिलेगा, यही क्वेश्चन पूछा है। डिफरेंस दिया हुआ है 8 और बड़ा नंबर ग्रेटर नंबर दिया हुआ है 12, तो यहाँ कैसे निकालेंगे, आप तो सोच लेंगे कि सर 4 होगा क्योंकि यहाँ 12 में 4 घटाएंगे तो 8 होगा, लेकिन कैसे, ऐसे थोड़ी सोचे आप, यहाँ बड़ा नंबर देंगे तो दिक्कत, लेकिन आप क्या सोचिए, ग्रेटर नंबर जब दिया हुआ है ना, तो ये वाला में से डिफरेंस घटाते हैं ना ये नंबर निकलता, देखो 12 - 8 करेंगे तो 4 आ रहा है ना, ये वाला यहाँ भरा जाएगा, तो वैसा ही है, ग्रेटर नंबर जब दिया हुआ हो और डिफरेंस दिया हुआ है ना, तो इसमें ये घटाते हैं ना, स्मॉलर नंबर निकलता है दोस्तों, मैं वहाँ से समझा रहा हूँ ताकि आपको यहाँ दिक्कत नहीं हो, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो
हम लोग को पहले दोस्तों क्या दिया है, ग्रेटर नंबर दिया हुआ है, तो लिख देंगे द ग्रेटर नंबर। दोस्तों ये लैंग्वेज है इसलिए लिखना पड़ता, थोड़ा लिख देता हूँ। इक्वल टू 1 लाख दिया हुआ दोस्तों, 1,09,000 है। उसके बाद डिफरेंस दिया हुआ दोस्तों, द डिफरेंस इक्वल टू दोस्तों दिया हुआ है 48,506,506 दोस्तों, इसलिए हो जाएगा स्मॉलर नंबर। इक्वल टू दोस्तों 9 में 6 घटाएंगे तो 3, 0 में 0 घटाएंगे तो 0, यहाँ पे से 0 नहीं घटेगा दोस्तों, यहाँ सब तो 0 था, तो यहाँ से हम लोग कैरी लेंगे तो यह बन जाएगा 10 दोस्तों, इससे कैरी लिए तो ये बन गया 9, और इससे ये 10 था तो ये बन गया 9। 10 में 5 घटाएंगे तो 5, 9 में 8 घटाएंगे तो 1, और ये 9 में 4 घटाएंगे तो 5, 51,503। समझ में आया होगा दोस्तों। दोस्तों फिल इन द ब्लैंक, सेवन नंबर बताने से पहले मैं कुछ एक्स्ट्रा बता देता हूँ दोस्तों। एक चीज़ जानिए, ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए होता है, ये कॉम्यूटेटिव लॉ होता है। ये होता क्या है, 3 प्लस अगर 7 करेंगे तो क्या होता, 10 होगा ना, नहीं उसका उल्टा करके लिखेंगे, 7 प्लस 3 तो भी 10 होगा, है ना। एक तो आपको ऐसा दिमाग लगाना है। दूसरा एक चीज़ और देखिए दोस्तों, इस साइड में जो चीज़ है ए है, इस साइड में अगर नहीं है ना तो ए आपको यहाँ बैठाना है, इस साइड में बी है इधर नहीं तो बी बैठाना है ना, इस तरह से बनाएंगे। दूसरा कोई भी चीज़ में 0 ऐड करने से दोस्तों सेम टू सेम रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कोई भी चीज़ में 0 सब्ट्रैक करने से तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब 0 ऐड करने से या 0 सब्ट्रैक करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए तो 0 को एडिटिव इनवर्स कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, ये एक्स्ट्रा बताया लेकिन आपको ध्यान रखना है, तो चलिए हम लोग यहाँ बनाते हैं। ए नंबर में दोस्तों देखिए क्या है, 7 का यहाँ देखिए 4128 में क्या ऐड करेंगे जो 4028 ही रह जाएगा, इसका मतलब 0 हुआ होगा, तभी तो सेम टू सेम रह जाएगा। बी नंबर में दोस्तों यहाँ देखिए क्या है, हम लोग नहीं जानते हैं, 82 स्पार है इक्वल टू के, स्पार नहीं है तो स्पार इक्वल टू है लिखा हुआ है, 96 स्पार है, स्पार नहीं है तो यहाँ 96 होगा। अब देखो 71 स्पार है, स्पार नहीं है तो स्पार 71 होगा दोस्तों, यहाँ 96 होगा, यहाँ 71 होगा, ऐसा क्यों, ये कॉम्यूटेटिव लॉ है, जो जो स्पार है इक्वल टू के स्पार भी होना चाहिए, इसको कॉम्यूटेटिव लॉ कहते हैं, अगर नहीं जानते तो आगे जाकर पढ़ेंगे। तो दोस्तों फिर यहाँ देखिए 75 प्लस 169 प्लस 1001, अगर हम लोग का इक्वल टू इतना होता है तो यहाँ फिर देखिए 75 यहाँ भी है, 169 यहाँ भी है, और 1001 यहाँ भी है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, तो यही होगा 1, 2, 4, 5। दिक्कत उसके बाद दोस्तों इतना ऐड करेंगे तो क्या आएगा, मैं यहाँ ऐड करके दिखा देता हूँ, तो 1111, 1011, 1001, 1001, उसके बाद 111 है, उसके बाद 11 फिर 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 1 दोस्तों इतना आ रहा है, तो यहाँ हम लोग क्या नंबर है, ये डी नंबर लिख देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 दोस्तों ऐसा आया। नेक्स्ट है दोस्तों ई नंबर में देखिए क्या है, समथिंग माइनस 0 इक्वल टू 785, इसका मतलब यहाँ 785, अभी जस्ट बताया कि 0 कोई भी चीज़ में ऐड करने से या सब्ट्रैक करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यही होगा तभी ना यहाँ घटाने से ना हुआ। उसके बाद एफ नंबर में दोस्तों 45,000 में 15,000 घटाना, सॉरी 4,500 में 1,000 इतना घटाना, 500 तो 0 में 0 घटाएंगे तो 0, 0 या 5 में 0 यहाँ हो जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 3,000। अगला जी नंबर दोस्तों 18,000 में क्या सब्ट्रैक करेंगे जो 800 बचेगा, थोड़ी 8,000 बचेगा दोस्तों, आपको तो लग रहा है 1,000 कैसे मौखिक का पता दिए, लेकिन लिखित कैसे बताएंगे, अभी जस्ट बताया ग्रेटर नंबर जब दिया हुआ हो है ना, तो इस वाला को फिर सब्ट्रैक करेंगे ना तो स्मॉलर नंबर मिलता है, तो यहाँ देख लिए 0 में 0, 0 फिर यहाँ 0, 8 में 8 घटाएंगे तो 0 और 1, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग को कितना
10,000 बचेगा। नेक्स्ट है एक ठो और है दोस्तों, उसके बाद है जी के बाद एच नंबर। यहाँ तो 7,500 प्लस 2,500 दोस्तों ऐड करना है, तो यहाँ मैं ऐड करके दिखाता हूँ। 7500 2500 जीरो प्लस जीरो जीरो जी हाँ रो, 5 + 5 10 का 0 कैरी 1, 7 + 2 9 प्लस कैरी था दोस्तों 10, तो 1000 दोस्तों 1000 नहीं 10,000 आया। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों का जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। थैंक यू।